हेलो गाइस, सो ये मेरा पहला लाइफ का पहला ऐसा ब्लॉग टाइप कुछ मैं ऐसा बना रहा हूँ, सिर्फ आपको ये बताने के लिए या ये चीज़ें दिखाने के लिए कि हम म्यूजिशंस की लाइफ में कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम कैसे ट्रैवल करते हैं, साउंड चेक कैसे करते हैं, शोज़ में क्या होता है, अच्छी चीज़ें क्या होती हैं और या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं हमें, ट्रैवल में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, हम इंजॉय क्या क्या करते हैं, वो सारी बातें मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाऊंगा, बताऊंगा। मैं अपने सारे जितने भी सिटीज़ में टूर कर रहा हूँ, जितने भी सिटीज़ में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, जिस भी होटल में चेक इन कर रहा हूँ, जिस भी स्टेज पर साउंड चेक कर रहा हूँ, जिस भी जगह जा रहा हूँ, वो थोड़ा थोड़ा करके आपको ऐसे मैं इसमें दिखाता रहूँगा। अच्छा लगे तो बिल्कुल, आगे आपको पता ही है सब कुछ। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मुंबई से स्टार्ट करते हैं। एयरपोर्ट चेक इन कर चुके हैं हम लोग और डोमेस्टिक गेट से हम लोग जा रहे हैं नीचे के लिए जहाँ पे हमारा गेट है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बट हम लोग डोमेस्टिक टूर कर रहे हैं, जरा दिखा दीजिए एयरपोर्ट। गाइस हम लोग राजकोट की फ्लाइट में बैठ चुके हैं, थोड़ी देर में टेक ऑफ होने वाली है। हम लोग राजकोट लैंड कर चुके हैं। राजकोट में कल शो था अपना, राजकोट से शो खत्म करके फिर हम बाय रोड ट्रैवल किए हैं अहमदाबाद। देन अहमदाबाद एयरपोर्ट से हम मॉर्निंग की फ्लाइट पकड़ के आए हैं दिल्ली। तो गाइस हम दिल्ली पहुंच चुके हैं, दिल्ली का एयरपोर्ट स्टोरी पॉइंट। दिल्ली में हमारा लेओवर है 1 घंटे का, फिर हम दिल्ली से उदयपुर की फ़्लाइट ले रहे हैं और उसके बाद फिर हम उदयपुर पहुंच के। हम लोग उदयपुर लैंड हो चुके हैं और हम लोग बाय रोड जा रहे हैं कुंभलगढ़। भाई हम लोग कहीं तो पहाड़ों में घूम रहे हैं, कुंभलगढ़ का रास्ता है, राजाओं महाराजाओं का इलाका, प्रॉपर गांव, पहाड़ी, जंगल, रजवाड़ा, किले, सब कुछ देखने को मिल रहा है आज के लिए। अर्जुन भाई हमारे साथ है और अर्जुन भाई भी हमारे साथ में है, ड्राइव करते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा इनका सीन रहता है। क्या बात है, सारा इंट्रोडक्शन खुद दे दे। मौका देते हैं कि आप और घूमने के लिए आए और आपके जो भी दोस्त मित्र वगैरह सारे हों वो तो बोलिए चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हाँ जरूर, मेवाड़ में आके पधारे और नदी का घाटिया क्या सीन है आप बताएंगे। आप बताइए, महाराणा प्रताप जो अपने चेतक से युद्ध में नदी को पार किया था वो ये नदी है राइट में। क्या बात है, इनका स्वागत है। अंदर एंट्री हो रही है कुंभलगढ़ रिसोर्ट में, गाड़ी इस टाइम ऊपर चढ़ रही है, आप होटल का नज़ारा देख सकते हो। ये सबसे बड़ी महाराणा प्रताप का लेक है, ये हमारे होटल आज के लिए, इसमें हम एंट्री कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा ये है हमारा रूम और हम कर चुके हैं चेक इन। ये हमारा बेड, ये रूम और ये हमारा बालकनी व्यू। आज हम ट्रैवल कर रहे हैं उदयपुर से हैदराबाद के लिए। हमारे कल का शो बहुत अच्छा हुआ उदयपुर का और आज हमें हैदराबाद में परफॉर्म करना है। हेलो, सो पहुँचते हैं हैदराबाद, फिर आगे का सब कुछ देखते हैं कैसे क्या होता है। तो हम लोग पहुँच गए हैं हैदराबाद एयरपोर्ट, जाएंगे अपने होटल, फिर वहाँ थोड़ी देर रेस्ट करके
तो फाइनली हम लोग 3 दिन का टूर ख़त्म करके अब मुंबई वापस जा रहे हैं। अभी हम लोग हैदराबाद एयरपोर्ट पे हैं। आज का शो बढ़िया हुआ, अब कल मुंबई जाके वापस शाम को शाम चेक है। सो गाइस आज कहाँ है? आज हमारा शो है रूल 34 मुंबई द लॉस फायरफ्लाइज, बट आवर फोर्थ मेंबर इज नॉट हियर सो कमल इज गोइंग विद अस एंड ही इज अमेजिंग। रूल 34 में परफॉर्म कर रहे हैं और अभी हमारा चल रहा है साउंड चेक। ऑल सेट फॉर टुनाइट रूल 34। तो गाइस अब हम ताज होटल आ गए हैं, मुंबई का ताज होटल जो गेटवे ऑफ इंडिया के सामने है। सेटअप हो चुका है, साउंड चेक चल रहा है। ये हमारे इनका नाम आपने सुना होगा, बहुत सारे बॉलीवुड गानों में इन्होंने तबला बजाया हुआ है और अपना टैलेंट दिखाया हुआ है और आज मुझे मौका मिला है। आग लगाने वाला है ये। थैंक यू सो मच। ये हमारे स्टार भाई और मोमिन भाई, इनको आपने देखा होगा अरिजीत सिंह के साथ, जुबिन नौटियाल के साथ प्ले करते हैं। आज फाइनली मौका मिला हुआ है ऐसे उस्ताद लोगों के साथ परफॉर्म करने का। और ये ड्रम का सेटअप मेरा बहुत ही प्यारा सेटअप है, सूफी नाइट है, कोक स्टूडियो के गाने हम परफॉर्म कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे सूफी कलाम है, सूफी गाने हैं जो हम आज हम परफॉर्म करेंगे यहाँ पे। अब बहुत एक्साइटेड हुए मैं, ऐसे दिन का इंतज़ार किया है मैंने फाइनली। साउंड चेक हो चुका है, सब ऑल सेट है, बस हम परफॉर्म करने के लिए जा रहे हैं स्टेज पर। थोड़ी देर में शो स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा सो गाइस हम लोग होटल पहुंच चुके हैं और चेक इन कर चुके हैं और जैसा कि बहुत थके हुए हैं, ट्रैवल करके आए हुए हैं, तो मेरा बाथ टब तैयार है। तो जैसा मैंने कहा था कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो बेसिक प्रॉब्लम तो यही होती है कि जब कभी हम साउंड चेक के लिए वेन्यू में पहुंचते हैं तो सडनली ये मालूम पड़ता है कि बिल्कुल फ्रेश किट है, अनट्यून्ड है, बिल्कुल प्ले नहीं हुई है, कभी किसी ने ट्यून नहीं किया है। तो आज मेरे साथ वैसा ही हुआ है, बिल्कुल मुझे एकदम बिल्कुल फ्रेश किट दे दी गई है। अब मुझे इसको ट्यून करना है सबसे पहले। तो यह है वो किट, अब टोन सुनिए इसका। बिल्कुल ही अलग टोन है। सो आफ्टर 11 डेज, 1 तारीख से हम निकले हुए थे टूर पे, डोमेस्टिक टूर, इंडिया टूर, और आज हमारा लास्ट शो था इस टूर का पुणे में। सो अब हमारे पास 4 दिन का ब्रेक है जिसमें से क्वेरीज अभी भी आ रही हैं और देखते हैं। सो अब हम फाइनली मुंबई वापस जा रहे हैं और 2-3 दिन सिर्फ आराम, रेस्ट, घर। जय हिंद, जय भारत।